वेलकम चैंपियंस, न्यू वीडियो ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस। तो भाई आज हमने किया इटर्निटी ऑफ पेन का एक्सपेक्टेंस, और इसी वाला हमने करा भाई राइट पाथ। दो पार्ट में वीडियो आएगी इसकी। एक पार्ट में मैंने चार डिफेंडर्स को पेला है ओवरसीर तक, और उसके बाद बॉस समेत चार डिफेंडर को पेला है। तो पहले हमारी फाइट है डोरमामू के साथ, जिसके लिए मैं डूम लेके आया हूँ और हरक्यूलिस और उसकी हैम डाल की सिनर्जी लेके आया हूँ। तो भाई ये थोड़े बहुत बूस्ट लगा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं फाइट। एक 15% के दो हेल्थ बूस्ट और अटैक बूस्ट लगाया है, और ये ग्रीन वाला भी लगा ही लेते हैं। छोड़ो, ये भी भाई बूस्ट कर रहा है, और एक्सपी बूस्ट भी लगा दी हमने, एक्सपी बूस्ट। और स्टार्ट करते हैं, पहली फाइट है हमारी डोरमामू के साथ। तो इसके लिए मैं डूम लेके आया हूँ, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको ना इसमें आप डूम का ही SP3 रोटेशन मारना है, और आप ये पाथ आराम से कर सकते हो। कोई ज़्यादा दिक्कत वाला पाथ नहीं है, मतलब वो कह रहा फाइट नहीं है इसमें। ये बात है कि आपको इसको ना स्ट्राइकर डालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अपने स्पेशल छोड़ेगा ना, इसको इवेड चार्ज और अनस्टॉपेबल चार्ज मिलेगा कुछ सेकेंड्स के लिए, इसलिए आपको स्ट्राइकर डालना पड़ेगा। और आपको ना इसको बार बार नॉक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप पे ये डीजनरेशन लगाएगा ना, आपको नॉक डाउन करना पड़ेगा इसको, कि इसकी डीजनरेशन इसी के ऊपर शिफ्ट करने के लिए। और बस वही है, डोम का रोटेशन मारते रहो बस SP3 वाला, और ये जल्दी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देखो इसकी डीजनरेशन मेरे पे लग चुकी है, अब मैं हैवी मारूंगा तो इसको नॉक डाउन करूंगा तो इसकी डीजनरेशन इसके ऊपर ही लगी। बस वही है, सिंपल फाइट है। इसके स्पेशल डेक्स करते रहो, डेक्स करने नहीं आते तो ब्लॉक पे लो और इसको पेलते रहो। नॉक डाउन करना ज़रूरी है, इसलिए डूम इसके लिए परफेक्ट काउंटर रहेगा। हरक्यूलिस से भी इसको मार सकते हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ डूम लेके आओ। डूम को बस डैमेज पड़ेगा, लेकिन फाइट बहुत ईजिली निपट जाएगी, इसलिए डूम को लेके आओ। देखो इसका डीजेन मेरे को लगा हुआ है, और मैं इसको नॉक डाउन करेंगे तो डीजेन इसका इसके ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा, और इसको 6,000 का डीजेन का डैमेज मिल रहा है। वही है बस, डूम के SP3 की रोटेशन में मारता गया और इसके ऊपर इसके डीजेन डालता गया, इसको नॉक डाउन करते ही। और स्टैगर इसके ऊपर मैंने डाल रखे हैं, जब भी ये अपना स्पेशल छोड़ेगा तो इसको अनस्टॉपेबल और इवेड चार्ज ट्रिगर नहीं होएगा, ठीक है भाई। और जो लेफ्ट वाला पाथ है ना, वो लेफ्ट वाला पाथ मैंने कर लिया था कंप्लीट। अगर उसकी वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं उसकी वीडियो भी बना के डाल दूंगा। और अगली फाइट पे चलते हैं। अगली फाइट है भाई हमारी बिशप के साथ। मैंने डोरमामू वाली फ़ाइट तो सोलो निपटा दी, और अब बिशप वाली फ़ाइट है। इस फाइट में मेरा शायद एक रिवाइव लगा है, नहीं मेरा ख्याल से मेरा रिवाइव नहीं लगा, नहीं मैंने सोलो निपटा दिया फाइट, रिवाइव नहीं लगा मेरा इस पर। और ये फाइट में आपको करना है कि जब भी आप बिशप के पास रहोगे ना, आपको होएगा पावर गेन, और जब भी बिशप से दूर जाओगे तो आपकी होएगी पावर ड्रेन। देख लो, जब मेरे ऐसे हिट मारने से पावर गेन नहीं हो रही है, जब भी मैं इसके पास रहूँगा ना तो मेरी पावर गेन होएगी, और जब भी मैं इसे दूर जाऊँगा तो मेरी पावर ड्रेन होएगी, ठीक है। और ज़्यादा मुश्किल वाली फ़ाइट नहीं है, इसको SP2 पे पुश करो। अगर ये SP1 पे पुश हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हरक्यूलिस है, इमोर्टैलिटी बचा लेगी। और एक SP2 का रोटेशन मारना और शायद ही ख़त्म हो जाएगा। देख लो यार, मैं SP2 का रोटेशन मार रहा था, लेकिन ये अग्रेसिव नहीं हुआ। और आपको ना सेम स्पेशल नहीं छोड़ने हैं, आपने SP1 छोड़ा तो आपको दोबारा SP1 नहीं छोड़ना है, वरना वो भी आपको बर्स्ट डैमेज देगा एक टाइमर के बाद। क्योंकि अगर आपने सेम स्पेशल छोड़ा दो बार तो एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको बहुत बुरा डैमेज देगा। और भाई बस यही है, अब मेरी इमोर्टैलिटी आ गई और मैं इसको निपटा दूंगा अब। और इसका ये भी साला SP3 पे पहुंच गया है, मैं इसके पास खड़ा होकर ना अपना SP2 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोबारा मारा SP2 बना, ये हमने मारा दोबारा स्पेशल 2, और ये मेरे ख्याल से यार इसको ना मर जाना चाहिए, अगर ये नहीं मरा ना तो मेरी बैंड बच जाएगी। लेकिन कोई नहीं, रैलिक भी हमारा पड़ा है हमारे पास, और हम एक और हमारा SP2 रेडी हो गया। लेकिन ये फ़ाइट ख़त्म हो गई, ये फ़ाइट भी हमने सोलो निपटा दिया, अगली फ़ाइट में चलते हैं। और ये वाली फ़ाइट है भाई क्रॉस बोन के साथ, और ये क्रॉस बोन्स वाली फ़ाइट ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप इसके ब्लॉक पे मारोगे तो आपको पॉइजन मिलेगा, और आप इसको ऐसे ही मारते जाओगे तो इसको आपको ब्लीड मिलेगा और बेन मिलेगा। तो ये बहुत ही मुश्किल फ़ाइट है यार, ये इस फाइट के लिए तो भाई बहुत ही, मेरे 2 रिवाइव लगे हैं इस फाइट में, क्रॉस बोन वाली फ़ाइट में मेरे 2 रिवाइव पड़े हैं, अब लगे हैं। और वैसे भी मेरे पास रिवाइव्स पड़े थे जो मेरे एक्सपायर हो रहे थे, तो मैंने तब भी ये खेला है, और इसको भी मैंने पूरा 100% एक्सप्लोर कर दिया, और इसको मैं अभी तक मेरे ख्याल से 50% तक पहुँचा दूंगा, फिर एक दूसरा रिवाइव मार के आऊँगा जिसमें मैं इसको 30% या 20% तक पहुँचा देता हूँ, फिर तीसरे रिवाइव में जाके ये ख़त्म, तीसरी बार में जाके ये ख़त्म होता है। ये मैंने मारा स्पेशल 2 इसको,
और ये पड़ा इसको SP2। मेरी मोटेलिटी भी ख़त्म होने वाली है और भाई ये ना स्टन भी प्योरीफाई कर दिया इसने और डैमेज भी लेना बंद कर दिया। पता नहीं क्यों डैमेज लेना बंद कर दिया इसने, वरना हम इसको और डैमेज दे सकते थे। मैंने इसको 50% तक पहुँचा दिया था और मेरी हैंडाल की एनर्जी भी मुझे एक बार बचा चुकी थी, इसलिए वो भी काम पर नहीं आई। और बस यही है कि ना ये प्योरीफाई करता था तो दिक्कत आ जाती है। वैसे हरक्यूलिस से आप इसको बहुत आराम से मार सकते हो, वैसे आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। एग्रेसिव होगे तो बहुत जल्दी और आराम से इसको निपटा सकते हो। और बेन की टाइमिंग इसके ऊपर रखनी बहुत ज़रूरी है यार, वरना बहुत गंदे अगर टाइमिंग बेन की आपके ऊपर ही रह गया तो बहुत गंदा डैमेज पड़ेगा। ये देख लो भाई, बेन का ना इसके ऊपर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत गंदा डैमेज आपको कब पड़ जाए ना हमको ही नहीं पता लगेगा। इसको तो बेन का कम ही डैमेज मिलता है, ज़्यादा डैमेज तो बेन का हमको ही मिलता है। और ये देखो एग्रेसिव नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा एक और SP2 वेस्ट हो गया। इसकी वजह से भाई मेरा एक और रिवाइव लगा इस फाइट में, इसकी वजह से। अगर ये SP2 इसको पड़ जाता ना तो मेरे ख्याल से ये फाइट ये भी ख़त्म हो जाती, लेकिन मेरे ख्याल से अब फाइट ख़त्म है क्योंकि मेरी इमोर्टैलिटी बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है। और इसको मैंने SP2 मारा तो देख लो भाई 28% तक पहुंच गया और इसने मेरे को ही पेल दिया, क्योंकि स्टन इसको प्योरीफाई हो गया और जिसकी चक्कर में इसने मेरे को पेल दिया। और ये मेरा आखिरी रिवाइव है, ये हमारा इस फाइट के इस रिवाइव में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। यार ये बेन दोबारा हमारे ऊपर लगा दे, बेन की टाइमिंग मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और एक क्रोजबोन वाली फ़ाइट तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये फ़ाइट तो आपको मतलब रिवाइव इसके लिए फार्म करके रखना। क्रोजबोन वाली फ़ाइट मुश्किल इसलिए क्योंकि जब तक आप इसको मारते रहोगे तो ब्लीड लगेगा, ब्लॉक पे मारोगे तो पॉइजन लगेगा। तो फिर मेरे ख्याल से डूम तो इसके लिए बिल्कुल काम नहीं आएगा। हरक्यूलिस या भाई हरक्यूलिस से भाई बहुत सारी फ़ाइट है हमारी, सोलो भी गई है, हमारे रिवाइव लगे हैं। मेरे ख्याल से दो रिवाइव इस पर लगे हैं, बाकी सारी फ़ाइटें तो मैंने सोलो कर दिया है। और पता नहीं और किस पे मेरा रिवाइव लगा, अभी मैं जाऊंगा ना अगली फ़ाइट पे तो बताता हूँ आपको। अगली फ़ाइट पे चलता है, ये तो ख़त्म हुई। और भाई थोड़े ना क्रिस्टल ओपनिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे पास इतने 24 क्रिस्टल बचे हैं, देखते हैं इनमें से मुझे क्या मिलता है। चलो भाई चार रिवाइव हमको मिल चुके हैं और हीलिंग बॉल्स मिल गई अच्छी खासी, तो काम आएंगी, देखते हैं। चलते हैं फाइट में दोबारा। और अब हमारी फ़ाइट है द ओवरसीर के साथ, और ये फ़ाइट भाई बहुत ही आसान है। अगर मैं ध्यान से और थोड़ा पेशेंस के साथ खेलूँ तो ये फ़ाइट मैं सोलो निकाल सकता हूँ बहुत ही आराम से। और मेरा रेड वाला बूस्ट ख़त्म हो रहा है और मेरे पास बहुत सारे बूस्ट बचे हुए हैं, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। अरे हमने करा रिप्लेस, चलते हैं फ़ाइट के अंदर। और भाई ओवरसीर वाली फ़ाइट ना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें बस एक ही चीज़ है जो ध्यान देने वाली है। एक तो इसका SP1 मारते ही ऑटो ब्लॉक जब चालू होता है, एक ऑटो ब्लॉक ध्यान देना ज़रूरी है। और इसका एक नोड आप पे ये लगा हुआ है कि ये देखो आप ना वो नहीं कर सकते, हीलिंग नहीं कर सकते, आपकी हील इसने बंद कर रखी है। और एक स्टन वाला है कि स्टन लगेगा आपको जब भी ये टाइमर ख़त्म होएगा, लेकिन हरक्यूलिस स्टन इम्यून है इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने SP1 मार दिया, अब SP2 मारूंगा तो मेरे ख्याल से इसको बहुत तगड़ा डैमेज पड़ेगा। लेकिन भाई इसने अपना ऑटो ब्लॉक चालू कर दिया और मेरा ट्रू सेंस भी ख़त्म हो गया। और भाई एक बात ना मुझे अब समझ आई कि क्या हुआ था कि ना किसका नाम है ओवर सीट पर ना एक टाइमर लगा हुआ है, जो लास्ट में ओवर सीट के ऊपर आप टाइमर देख रहे हो ना, इस टाइमर के ख़त्म होने तक अगर आपने अपना स्पेशल नहीं छोड़ा ना, जितने भी पावर आपके पास है ना वो सारी की सारी पावर ओवरसीर गेन कर लेगा। ये देखो टाइमर ख़त्म होने वाला, मुझे अपना स्पेशल छोड़ना ही पड़ेगा। अगर मैंने नहीं छोड़ा तो मेरे SP1 की पावर भी यही गेन कर लेगा और ये साला SP3 पे दोबारा पहुंच जाएगा। मेरे को ये बात पता नहीं थी इसलिए मैं मार खा गया इससे बहुत तगड़ी। और मेरा ख्याल से मेरा एक रिवाइव इस फाइट पर भी लग गया। और बस यही है फाइट देखना और मेरे ट्रू सेंस गेन करना हरक्यूलिस का बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ SP2 मारो हिम्मत इस फाइट में, हरक्यूलिस का SP1 मारते मारते और कॉम्बो चलाते चलाते इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि ऑटो ब्लॉक फेल हुआ ना तो सारी फ़ाइट आप आराम से निपटा सकते हो। ये देख लो यार मेरी यही इसी की वजह से मेरी मतलब रिवाइव लग गया, मेरा इमोर्टैलिटी पे इसने पहुँचा दिया क्योंकि गलती से मैंने इसका एक SP1 खा लिया। और मैं मेरी ट्रू सेंस भी ख़त्म हो चुकी है मुझे। देखो भाई इसने पता नहीं मैं क्या हुआ कि ब्लॉक पे मारा तो मेरा भाई और क्या नाम है इमोर्टैलिटी भी एक्सपायर होगी और एकदम बहुत तगड़ा डैमेज पड़ा 3000 का। पता नहीं क्या हुआ था ये बीच में, को समझ नहीं आया जब इसने मेरे ब्लॉक पे मारा। और ये हमारा मेरे ख्याल से एक ही रिवाइव लगा इस फाइट में, हाँ एक ही रिवाइव लगा मेरा ओवरसीर की फ़ाइट में, और बाकी हमने फ़ाइट बहुत आराम से निपटा दी। ज़्यादा ये एक रिवाइव लगाने वाली फ़ाइट भी थी नहीं है वैसे, क्योंकि ना यार मैंने खामखाई ब्लॉक पे इसे हिट खा ली और खामखाई इसके नोड्स मैंने ढंग से समझे नहीं, जिसके चक्कर में मेरा ये रिवाइव लग गया। वैसे रिवाइव लगाने वाली फ़ाइट थी नहीं ये, तो ये फ़ाइट भी ख़त्म हुई, अगली फ़ाइट में चलते हैं। लेकिन अब अगली फ़ाइट भाई हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे, ये पार्ट यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।